मॉडल नंबर ये एसर क्रोमबुक 315 सीरीज एसर का क्रोमबुक दिया हुआ है। ठीक है, गेमिंग के लिए गेम वगैरह सब चल रहा है इस पे, गेम वगैरह एंड्रॉइड किया हुआ है। 1733 Mbps तक सपोर्टेड है ये। ठीक है, के आपका रेजोल्यूशन दिया हुआ है, 4K रेजोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 12 घंटे की बैटरी बैकअप दिया हुआ है कंपनी का, 15" डिस्प्ले होता है। ठीक है, lapivala.com लैपटॉप एट एवरी होम। लैपीवाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो बनने जा रही है ये भी रिव्यू वीडियो बनने जा रही है, और आज की जो मॉडल होने जा रहा है एसर का ये क्रोमबुक सीरीज आया हुआ 315 मॉडल है। ये 315 मॉडल है और 12 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ है। अब ये एक्चुअली ज़्यादा मॉडल तो है नहीं, लेकिन रिव्यू वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है कि इसकी वीडियो रिव्यू बना दिया जाए पहले। अब इसकी कंडीशन की अगर बात करेंगे तो कंडीशन वेल कंडीशन में है। वेल कंडीशन होने का रीज़न भी है एक्चुअली ये अभी वारंटी में ही ये मटेरियल 12 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ है। 6 जनरेशन ये सीरीज होता है, Type-C पोर्ट दिया हुआ है। और डिटेल्स हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल्स बात करने से पहले और इसकी कंडीशन के बारे में हम लोग जानेंगे। रैम इसमें कौन सा लगता है, मतलब कौन सा बोलने का सेंस है, मतलब DDR4 लगता है या DDR3 लगता है। देन आप इसमें जानेंगे SSD कितना है, Type-C पोर्ट है, कब का सीरीज है ये, कैमरा क्वालिटी कैसा है, डिस्प्ले क्वालिटी क्या है और कंडीशन क्वालिटी क्या है, ये सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और किन लोगों के लिए ये बेस्ट यूजेज हो सकता है, किन लोगों के लिए ये बेस्ट हो सकता है, जो इस मॉडल पे बहुत ज़्यादा यूजेज कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये परफेक्ट सीरीज हो सकता है। 6 जनरेशन में आपको मिल रहा है, Type-C पोर्ट भी मिल रहा है। और Type-C पोर्ट कितने मिलेगा, 3.0 USB कितना है, सब एक एक करके हम लोग जानेंगे। कंडीशन आपका वेल कंडीशन है। इसकी जितने भी पीसेस अभी बचा हुआ है सारे वेल कंडीशन में है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें 12 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगा, 12 घंटे की बैटरी बैकअप है। टेस्टेड है ये, 12 घंटे की बैटरी बैकअप है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। और इसमें IPS डिस्प्ले सीरीज होता है, ये IPS डिस्प्ले के साथ है। डिस्प्ले क्वालिटी रेजोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो फुल HD रेजोल्यूशन है। अब रैम की अगर बात करेंगे तो इसमें DDR4 रैम लगा हुआ है, 4 GB का DDR4 रैम लगा हुआ है। स्लॉट बनाने के लिए अलग से आपको नहीं मिलेगा, इसमें ऑलरेडी इनफ है। देन हम लोग आते हैं, अब इसमें प्रोसेसर की बात करेंगे, प्रोसेसर और स्टोरेज की। स्टोरेज से पहले हम लोग आते हैं इसमें पोर्ट कितना है, कितना हम पोर्ट यूज कर सकते हैं। इसमें Type-C पोर्ट दिया हुआ है, Type-C पोर्ट दिया हुआ है। OTG Type-C काम करेगा और चार्जिंग भी Type-C काम करेगा, बोथ साइड में दे दिया है Type-C पोर्ट। 3.0 की USB दिया हुआ है, बोथ साइड में 3.0 की USB है। microSD कार्ड के लिए दिया हुआ है, ये ऑडियो जैक 3.5mm का होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस पे, इसकी इंटरनेट स्पीड वगैरह कैसा रहेगा, हार्डवेयर की स्पीड क्या है। देखिए, हार्डवेयर की स्पीड बहुत अच्छा है इसका। इसमें हार्डवेयर की जो क्वालिटी यूज किया गया है इंटरनेट के लिए, इसमें 1700-1800 Mbps तक कनेक्टिविटी इसका है। मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, इसके वेबसाइट पे भी जाएंगे हम लोग। फिर इसकी इस लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करेंगे हम लोग, बहुत सारे डिस्कस करना है। तो हम लोग इसकी इंटरनेट हार्डवेयर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1800 Mbps तक लगभग अप्रोक्स सपोर्टेड है। ठीक है, 1733 इसके साइड पे ही दिया हुआ है, 1733 Mbps तक इसमें सपोर्टेड है आपका इंटरनेट। अब हम लोग आएंगे इसकी यूजेस, किन लोगों के लिए सबसे परफेक्ट है। देखिए, इसमें 4K डिस्प्ले क्वालिटी, 4K वीडियो चलेगा, इस पर कोई इशूज नहीं है, डायरेक्ट 4K वगैरह सब चला सकते हैं। क्वालिटी बहुत सुपर दिया है, ये 4K आपका चल रहा है, 4K आपका रेजोल्यूशन दिया हुआ है, 4K रेजोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वालिटी आपको किसी भी एंगल से सोचने की जरूरत नहीं है इस मॉडल में। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा क्वालिटी भी आपको मिलने जा रहा है। गेम वगैरह इसमें कैसे चलेगा, गेम आप डायरेक्ट जो है अभी यूजर्स किन के लिए बेस्ट है, ये बेस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है जिनको मेलिंग वगैरह का काम करना है, मेल का काम करना है या ऑफिशियल रिलेटेड काम है, मेल भेजना है, ऑनलाइन यूजेस करना है, ट्रांजैक्शन का काम है, या जिनको ट्रेडिंग वगैरह काम करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, उनको चाहिए स्पीड और स्पीड के साथ साथ परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है गेमिंग के लिए, क्या ये बेस्ट है? गेमिंग के लिए भी आप जिनको एंड्रॉयड बेस्ड गेम खेलना है, जैसे फ्री फायर हो गया और भी बहुत सारे गेम है एंड्रॉयड बेस्ड पे, वो सारा इस पे चलता है, लाइव चल भी रहा है, ठीक है, आप ये चला भी सकते हैं। इसमें दो मॉडल अपने पास अवेलेबल है, एक नॉन टच में भी मिल जाएगा और एक टच स्क्रीन में भी मिल जाएगा, ठीक है। गेमिंग के लिए गेम वगैरह सब चल रहा है इस पे, गेम वगैरह एंड्रॉयड बेस्ड गेम चला सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप में व्हाट्सएप वगैरह भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जिनको स्टडी स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुपर चीज है, स्टूडेंट जिनको ऐप बेस्ड स्टडी करना है उनके लिए भी परफेक्ट है, या जिनको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना है या बहुत सारा जो काम है, ठीक है, ऑनलाइन रिलेटेड बहुत सारे काम को आप इसमें इजी टू यूज रहेगा, परफेक्ट रहेगा। इसमें गेम चल भी रहा है, फ्री फायर का ये सीरीज है, ठीक है, आप इसको जो है सो आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे ये टच स्क्रीन में टच और नॉन टच दोनों सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसकी स्टोरेज की बात करेंगे, स्टोरेज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोसेसर क्या यूज किया हुआ है उस पर हम लोग आएंगे। स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 32 GB का SSD दिया हुआ है। एक्सटेंड करना है तो आपको मेमोरी स्लॉट से एक्सटेंड कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड से एक्सटेंड कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है, 1 TB तक आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज प्रोसेसर की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको N सीरीज का प्रोसेसर दिया हुआ है, 4200, ठीक है, 4200 N सीरीज का प्रोसेसर दिया हुआ है। अब इसकी वारंटी की बात करेंगे, ठीक है, वारंटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले से ये अमेजन पे भी लाइव है, अवेलेबल है, आप अमेजन पे भी जाके इसका मॉडल देख सकते हैं, से भी देख सकते हैं। फुल HD IPS डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 4 GB की LPDDR4 RAM दिया हुआ है, 32 GB की EMMC कार्ड दिया हुआ है। अब इसका प्राइजिंग जो है सो 56,000 अराउंड में है, अमेजन पे 45 में आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अपने पास प्राइस क्या है वो आपको lapivala.com पे डाला हुआ है, 15,500 की ओपन प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे, मॉडल नंबर ये Acer Chromebook 315 सीरीज Acer का Chromebook दिया हुआ है, ठीक है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होता है, CPU बहुत ही फास्ट है, 12.5 घंटे की बैटरी बैकअप दिया हुआ है कंपनी का, 15 इंच डिस्प्ले होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। ऑल डे बैटरी लाइफ बैकअप बहुत अच्छा दिया हुआ है इसका। देन हम लोग आते हैं इंटरनेट पे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, इंटरनेट जो मैंने बता रहे थे, वाईफाई जो गीगाबाइट का वाईफाई डिवाइस इसमें हार्डवेयर यूज किया हुआ है, 1733 Mbps तक सपोर्टेड है ये, ठीक है, और भी बहुत सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज हम लोग जानेंगे, अगर इसकी वारंटी है, कब एक्सपायर हुआ है या इन वारंटी में है, तो हम लोग जानते हैं इसका सीरियल नंबर से। इसका सीरियल नंबर है आपका प्रोडक्ट SNID 208171251186, ठीक है। ऑफिस आके भी ले सकते हैं, टच में और नॉन टच में दोनों सीरीज अपने पास अवेलेबल है। टच वाले सीरीज में 2500 रुपया प्लस हो जाएगा, नॉन टच वाले सेम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे नए अपडेट के साथ, न्यू रिव्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।